नई जनरेशन को ये कहना चाहूंगा कि म्यूजिक सुनना चाहिए, आज का म्यूजिक सुनो, इंग्लिश म्यूजिक सुनो, सब म्यूजिक सुनो, जिस गाने से दिलीप सैन समीर सैन बने, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, गाऊं तराना यारा झूम झूम के होले हो ओले 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 ओए ओए, शिव मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा, बोल सत्यम शिवम बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा, तुम्हारे का सहारा है मेरे सांवरे, मैं किस्मत का मारा हूँ मेरे सांवरे। इस साल की बेस्ट आवाज होगी, और इसके अलावा एल्बम के साथ साथ एक इंडस्ट्री को एक नया सिंगर मिला है, बहुत जल्द ये हमारी फिल्म में भी गाएंगे। दिलीप सेन ग्रेट म्यूजिशियन जमाल सेन के बेटे हैं, जबकि समीर सेन दिलीप सेन के सगे भाई शंभू के बेटे हैं। दिलीप सेन ने करीब 250 फिल्मों में 1500 सॉन्ग्स में अपना म्यूजिक दिया है। कहते हैं सेन परिवार के पूर्वज केसरी सेन कभी तानसेन के शिष्य हुआ करते थे। वहीं दिलीप सेन ने पंजाब केसरी के साथ एक खास बातचीत में बताया कि कैसे उन्होंने म्यूजिक की दुनिया में अपना कदम रखा, आइए आपको भी बताते हैं। नमस्कार जी, मैं संगीतकार दिलीप सेन, और आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज मेरे दिल की बातें जो मेरा एल्बम है वो रिलीज हुआ है, जिसे सुनील काले साहब ने गाया है और श्रेय काले साहब ने प्रोड्यूस किया है, एम प्रकाश जी ने गाने लिखे हैं, मेरा संगीत है तरन्नुम मलिक जी ने, साधना सरगम जी ने और प्रेमिला जैन जी ने गाने गाए हैं। मैं यही कहूँगा कि फिल्म के गाने म्यूज़िक रिलीज होता है तो वो तो एक अलग आनंद होता है मेरा, मगर ये बहुत बड़ा एक मेरे लिए चैलेंज था कि इस तरीके के प्राइवेट एल्बम को हिट करना, जो कि 7 गानों का एल्बम है, बहुत ही प्यारा एल्बम बना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुनील काले साहब ने जो गाया है इसे, आज की डेट में एक नई आवाज़ आना इंडस्ट्री में, और वो भी छा जाना मतलब आप कहेंगे कि दिलीप भाई आप तो ऐसी बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे यकीन है क्योंकि मैंने अभी तक इतने 35 साल का तो इंडस्ट्री का कैरियर हो गया, और वैसे मेरी 68 की उम्र हो गई, तो जो तजुर्बा है हमारे परिवार का संगीत का, तो ये जो आवाज़ मैंने सुनी, सुनने के बाद में जो इनके लिए मैंने गाने कंपोज किए, तो मुझे लगा कि नहीं ये इस साल की बेस्ट आवाज़ होगी, और इसके अलावा एल्बम के साथ साथ एक इंडस्ट्री को एक नया सिंगर मिला है, और बहुत जल्द ये हमारी फिल्म में भी गाएंगे, और इनके लिए आगे भी मैं काम करूँगा। और मैं नई जनरेशन को ये कहना चाहूँगा कि म्यूज़िक सुनना चाहिए, आज का म्यूज़िक सुनो, इंग्लिश म्यूज़िक सुनो, सब म्यूज़िक सुनो, मगर हमें हमारे हिंदुस्तान की जो ट्रेडिशनल जो है, जिसको हम ट्रेडिशनल संगीत बोलते हैं, म्यूज़िक बोलते हैं, जो धरोहर है हमारी, उस धरोहर को नहीं भूलना चाहिए। क्यों, क्या है कि संगीत ही हमारे यहाँ जो जीवन है, और संगीत ही इंसान का जीवन है, तो आप ये समझ लीजिए क्या कि हमें नए गाने भी सुनने चाहिए, पुराने गाने भी सुनने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में सुरीला रहना है तो आपको हम लोगों को सुनना ही चाहिए। हमसे पुराने जितने संगीतकार हैं, जिनको मैं स्कूल मानता हूँ, जिनकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, इतनी फिल्मों में संगीत दे चुका हूँ, तो आप लोगों से भी यही कहना है कि अच्छा संगीत सुनिए, और अच्छे संगीत सुनने के साथ साथ अपने आप को वैसा मोटिवेट करिए कि आप भी कल को, आज जैसे सुनील साहब काले साहब आए, कल आप में से कोई मेरे पास आए कि भाई मुझे गाना गाना है और मेरे लिए कंपोज कीजिए, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए करूँगा। और पंजाब केसरी के थ्रू मैं यही कहना चाहूँगा सबको, पूरे भारत में, पूरे विश्व में, कि आप ये चैनल देखते रहिए पंजाब केसरी, और इसमें हम जैसे कलाकारों को देखते रहिए, और कोई भी ज़रूरत हो आपको संगीत के माध्यम से, जो भी पूछना हो आप ज़रूर मुझसे कॉन्टेक्ट करें। नमस्कार, जय महाकाल। देखिए, पहला मेरा हिट गाना हुआ था जुल्म की हुकूमत में, जो कि पब्लिक ने सुना काफ़ी, वो गाना इस तरीके से था, कठमंडू कठमंडू ओ मुंडू ओ मुंडू, दम भर ले प्यार का तू, बोल बोल के शिव शम, ए हा तुनना तुनना तुनना। उसके बाद मेरा गाना चला था, चाह है तुम चाहेंगे सांसों में बस जाएंगे, हो तुम्हें अपना खुदा हम बनाएंगे। एक गाना फिर मेरा चला, गुड़िया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, तक दिन तिन्ना दिन तक दिन तिन्ना।
और जिस गाने से दिलीप सेन समीर सेन बने, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, गाऊं तराना याना झूम झूम के होले हो ओले 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 ओले, ओए ओए वो कुड़ियां शहर दिया, ओए ओए वो कुड़ियां शहर दिया, हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, अर 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 आ ओ रे अर 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 आ ओ रे अर अर आ ओ रे अर अर अर, ओ दिल तेरा है दीवाना अय्यो अय्यो। इस तरीके से मैंने 250 फिल्में की हैं, कम से कम मेरे 2500 गाने हो चुके हैं, जिनमें एक मेरा भजन बहुत हिट है जो आज तक लोग सुनते हैं, शिव मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा, बोल सत्यम शिवम बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा, तुम्हारे का सहारा है मेरे सांवरे, मैं किस्मत का मारा हूँ मेरे सांवरे, मैं तो आ गया खाटू तेरे धाम रे, दिल ने तुझको पुकारा मेरे सांवरे तुम्हारे का। तो इस तरीके से मेरे काफ़ी भजन आए हैं, आप लोग टी सीरीज़ के भक्ति सागर में सुन सकते हैं, और फिल्मों के गाने तो यूट्यूब पे आपको मिलेंगे, दिलीप सेन समीर सेन के नाम से अगर जब आप करेंगे तो सर्च करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब केसरी का और आप सुनने वालों का, नमस्कार, जय महाकाल। नमस्कार, मैं हूँ तरन्नुम मलिक जैन, और क्योंकि आप मुझे जानते हैं और आपने मेरे गानों को बहुत प्यार दिया है हमेशा से, चाहे मेरी वो बहुत से राशि हो, चाहे वो एक था टाइगर हो, और अभी रिसेंटली जब मैंने हीरा मंडी में गाया है उसमें गाना है मेरा आज़ादी, उसमें भी आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और क्योंकि गंगूबाई में झूमे रे गोरी जब मैंने गाया था तो सब लोग डांडिया में इतने मुझे टैग्स आए हैं, इतने मुझे इतना प्यार मिला है, ऑल थैंक्स टू संजय जी एंड शैल जी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है, और मुझे ये सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब आप सब मेरे गाने सुनते हैं, मुझे बताते हैं कि यहाँ पर गाना चल रहा है, वहाँ पर गाना चल रहा है, मैं इसके लिए मैं बहुत ही आभार तहे दिल से आभार हूँ। अच्छा, मैं चाहूँगा कि ऐसा कौन सा गाना है जिसको गाके आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिली? ऐसे मेरे बहुत सारे गाने हैं जो कि एक सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि आप सबने सुना है सैयारा और आपने सभी ने सुना है झूमे रे गोरी, तो दोनों में जो डिफरेंस है, जो एक नाचने का गाना है और एक दिल टूटने का गाना है, एक बिछड़ने का गाना है, तो अपने अपने उन दोनों में अपना अपना एक स्वाद है, एक रंग है, तो ये मेरे लिए मुश्किल एक डिसीजन है क्या गाना मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन हाँ मुझे दोनों गाने पसंद है, तो आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे हैप्पी भी पसंद है, मुझे रोमांटिक एंड सैड भी पसंद है। क्योंकि पंजाब केसरी में जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पापा, मैं अपने पापा के हाथ में ये न्यूज़पेपर ज़रूर देखती थी, तो पंजाब केसरी से मेरा तब से वैसा ही नाता है, और आज भी पंजाब केसरी बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे है, और मैं हमेशा चाहती हूँ कि पंजाब केसरी कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी डिजिटल मार्केटिंग का ज़्यादा ट्रेंड आ गया है, लेकिन पंजाब केसरी एक पंजाब की एक खुशबू लेकर आता है, हिंदी की खुशबू लेकर आता है, अपनेपन की खुशबू लेकर आता है। सो थैंक यू सो मच पंजाब केसरी फॉर हैविंग मी, थैंक यू।